हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजॉय लाइफ विथ कुकिंग। आज हम देखेंगे श्रीखंड रेसिपी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इसे बनाने के लिए मैंने ये चक्का लिया है, इसकी रेसिपी मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में दी है। हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, ये मैंने बादाम लिए हैं बारीक कट करके, 2 से 3 हमें ओरियो बिस्किट लगेंगे। इसे हमें मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। इसके अलावा हमें केसर वाला दूध लगेगा, ये मैंने मिक्सी में ओरियो बिस्किट ग्राइंड किए हैं, और पाउडर शुगर लगेगी हमें। चक्के को मैंने एक कंटेनर में निकाल लिया है और अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसे हम चम्मच से ही अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे 5 से 10 मिनट के लिए फेंट लेना है। ये स्मूथ होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर, ये हमें अपने टेस्ट के अनुसार लेनी है। पाउडर शुगर ऐड करने के बाद हम इसे फिर से 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। इसका टेक्सचर हमें फ्लफी चाहिए। तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से फेंटने के बाद ये देखिए, इसका टेक्सचर अब स्मूथ और फ्लफी हो गया है। अब हम इसमें केसर वाला दूध ऐड करेंगे और साथ में इसमें हम कुछ बादाम भी ऐड करेंगे, और फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। इसे अच्छे से फेंटने के बाद ये देखिए, हमारा केसर बादाम श्रीखंड तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे ओरियो श्रीखंड। इसे बनाने के लिए मैंने ये केसर वाला श्रीखंड लिया है एक बाउल में। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ओरियो बिस्किट पाउडर ऐड करेंगे। ये ओरियो बिस्किट पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे फेंट लेंगे। इसे अच्छे से फेंटने के बाद ये देखिए, ये ओरियो श्रीखंड भी तैयार हो गया है। अब हम इसे बादाम से गार्निश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।